गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स लुक एट दिस बुक. आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 8 का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं और हमने पृष्ठ खोलना है 29. वह बच्चों ये देखिए 29 पृष्ठ पर ये हमने इससे पहले इसके भाग 1 और 2 में पढ़ लिया है कि मूल शंकर जी को शिव जी के व्रत रखने के समय उन्होंने एक चूहे को जब देखा तो उनके मन में उनके प्रति जो श्रद्धा थी वो खत्म हो गई और अनेक बातें पैदा हो गई कि ये सच्चे शिव नहीं है जो संसार की पालना करते हैं, संसार को पैदा करने वाले हैं, वो शिव तो कोई और हैं. तो वह उनको ढूंढने के लिए निकले. इस बारे में अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि लगभग 2 वर्ष बाद एक रात मूल शंकर अपने संबंधियों के साथ किसी मित्र के घर में कोई खेल तमाशा देखने गया हुआ था. संबंधी होते हैं रिश्तेदार. वहीं उसे पता चला कि उसकी बहन को हैजा हो गया. वह तुरंत घर लौटा. वैद्यों ने बच्चों उस टाइम डॉक्टर नहीं होते थे, उन्हें डॉक्टर वैद्य ही होते थे जो दवाई देते थे. वैद्यों ने उसकी बहन को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया परंतु वह बच ना सकी. मूल शंकर ने अपनी आंखों से अपने जीवन में यह पहली मृत्यु देखी थी. जिस बहन को 4-6 घंटे पहले वह हस्ती खेलती छोड़कर गया था वही अब संसार से उठ गई. घर के लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया परंतु मूल शंकर दीवार से लगा हुआ चुपचाप मृत्यु के संबंध में सोचता रहा, यानी मृत्यु के बारे में सोचता रहा. कुछ समय और बीता और फिर एक दिन उसके चाचा भी परलोक सिधार गए, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई. मरने से पहले उन्होंने मूल शंकर को बड़ा प्यार दिया था. उनके मरने पर मूल शंकर भी फूट फूट कर रोया, जबकि बहन के मरने बारे में वह सोचता ही रहा था कि बहन की मृत्यु पहला धक्का था, चाचा जी की मृत्यु दूसरा धक्का बन गई. वह सोचने लगा कि यह सब क्या है, क्या सभी को एक ना एक दिन मरना है, क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा, आखिर मृत्यु है क्या, क्या मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता. मूल शंकर को वैराग्य होने लगा. वैराग्य होता है कि दुनिया की किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट ना होना, यानी कोई लगाव ना होना. वह घर बार छोड़कर सच्चे शिव को खोजने और मृत्यु का हल ढूंढने के लिए घर से निकल गया. मूल शंकर ही बाद में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए. बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी रीड करते हैं. ये देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, जमाने के रंग में रंग जाने वाले और जमाने पर अपना रंग चढ़ाने वाले महापुरुष कौन है. और प्रश्न नंबर वो एक का उत्तर है, इसमें महापुरुष स्वामी दयानंद जी हैं. प्रश्न नंबर 2, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था. स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था. प्रश्न नंबर 3, टंकारा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है. टंकारा उत्तर है, टंकारा नगर में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था इसलिए वह इतिहास में प्रसिद्ध है.